जनाब चैरिटी वलीमा इवेंट इन यूके का सेकंड डे भी पल्लव जी और हिना जी ने हमारे साथ शेयर किया है। पल्लव जी मतलब हम प्यार से कहते हैं, क्यूट सा नेम पल्वशा चैनल को दे दिया, पल्वशा से पल्लव, मतलब पल्लव जरा इजी होता है और जरा बड़ा प्यारा भी लगता है, क्यूटी क्यूटी नेम, जैसे उनका नादिया से नादी हो गई और यूट्यूब के ऊपर पल्वशा से पल्लव हो गई। अरे जनाब हमारी हिना जी चोलिस्तान की जो रेशमा और वो जो नहीं है नसीबुल लाल जैसी सिंगर, उस तरह का गेटअप करके जनाब इस इवेंट को उन्होंने भी ज्वाइन किया। जनाब आगे हम देखेंगे वसीम की नजरें स्टेज से तो न दाएं हो रही थी न बाएं, बिल्कुल स्टेज पे जमी हुई थी। और जनाब इस इवेंट में पल्वशा ने बहुत बड़ी बॉल को लूज कर दिया, बहुत बड़ी बॉल को लूज कर दिया। अब वो कैसे लूज कर दिया आगे जाके बताऊंगी, व्लॉग को पूरा सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है, एक पॉइंट भी मिस हो गया ना तो जनाब फिर मजा नहीं आने वाला। मजा तभी आएगा जब तहम्मुल से पूरी पूरी चीजें आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। टिकटॉक की फैमिली को जनाब इनवाइट करते हैं, आइए यूट्यूब के चैनल के ऊपर रिएक्शन विद माय व्लॉग, और वहां पे आके हमें ज्वाइन करें और इस व्लॉग का मजा चखना है फुली तो जनाब यूट्यूब के ऊपर आए। अच्छा जनाब इवेंट शुरू हुआ, इवेंट के सेकंड डे भी बिल्कुल सेम कलर, बिल्कुल हमें मैंने तो बिल्कुल पहले सरसरी देखा था, मुझे इतना फील हुआ कोई वन डे का इवेंट है, पल्वशा का एक ही सूट, बाकी जो सेलिब्रिटीज आई हुई थी वो मतलब उनकी सूट चेंज हो रहे हैं, ये क्या माजरा है मुझे नहीं समझ आई। पल्वशा के सूट के कलर की वजह से मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ वन डे इवेंट है, लेकिन फिर गौर किया तो सूट का कलर एक ही था लेकिन डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जनाब जो इवेंट है ना वो शुरू हुआ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, नाच से, जनाब फिर स्पीच भी होती रही, गजा के हालात वाकयात भी दिखाए गए, इन तमाम औरतों को मतलब दुरूद पाक भी पढ़ाया गया, थोड़ी देर के लिए सरों पे कपड़े भी दुपट्टे भी करवाए गए, तो फिर उसके बाद जनाब फिर वो मुकम्मल दोबारा उसी रूटीन में आ गई, हल्ले गुल्ले वाली सारी की सारी। मतलब इतना पिंड में शादियों में ना इतना हमें अनडिसिप्लिन नहीं देखने को मिलता जितना कि जनाब यूके की इन औरतों में, मतलब कोई नहीं है, बस यूके आ गई है, नाम इंग्लिश का लग गया, मुंह पे इंग्लिश आ गई है, लेकिन कोई इनमें सेंस नहीं। मैंने पहले बताया ना नो डिसेंसी और नो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी नहीं भाई, जिस मुल्क में आप लोग रहते हैं ना वहां पर सबसे जो मेन चीज मैंने आगे यहाँ पे नोटिस किया है वो डिसिप्लिन देखा है, डिसिप्लिन देखा है। लेकिन ऐसे स्टेज पे जैसे ऐसा लगता था कोई सी मंडी में मंडी का शो चल रहा है, मतलब भैंसे और गायों का, मतलब इस तरीके का, मतलब ये कोई इतना शुद्धपन होता है, इतनी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, आप लोगों को जरा सी भी वहां पे औरतों की तमीज नजर नहीं आई। ये यार सेलिब्रिटी है, क्या किया उन्होंने, है क्या किया बेहयाई के सिवा, तो इन तीनों औरतों ने हमें तो कुछ नहीं दिखाया, कोई कौन सा इतना आला मर्तबा इन्होंने हासिल किया है। बेहया तो आजकल ट्रेंडिंग पे है बेहयाई, जितनी ज्यादा आप बेहयाई बोल्डनेस की तरफ आएंगे, जितनी गंदा फोटोशूट आप करवाएंगे उतनी ही आपका नाम हो जाएगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना लुच्चा सब तूचा ना, मतलब सॉरी टू से, मतलब एक मुहावरा बोलना पड़ा कि आजकल का दौर ये वाला है, ये मैं मतलब आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात कर रही हूं कि यही है, ये हकीकत है, रियलिटी है, ठीक है ना। तो क्या उन्होंने ऐसे करना में कर दिए थे कि तुम लोग पागल ही होती जा रही थी, एक दूसरे को धक्के दे रही हैं, और हिना बता रही थी कि दूसरे दिन मना भी उन्होंने किया कि भाई हमारे हमारे साथ भी सेल्फियां नहीं करवानी, दूसरे दिन मना किया हुआ था वो इस वजह से कि इतने बड़े बड़े मुंह खोल के आती हैं और ऊपर सांस छोड़ती होंगी। अब जरूरी तो नहीं है कि मतलब हर किसी ने टूथब्रश की हो, तो किसी किसी को मतलब माउथ ऑर्डर भी होता है और सांस छोड़ रही होती है एक फंस फूस के, तो बड़ा ही बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट नजर आई, तमीज नजर नहीं आई। और ये होता है, आप दुनिया में जिधर भी चले जाए ना, जब तक आपके साथ जो है ना एजुकेशन, शऊर, तहजीब, तमीज, ये चीजें ना हो ना, आप यूके क्या, अमेरिका क्या, किधर जिधर मर्जी आप बैठ जाए ना चले जाए, आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो कोई फायदा नहीं, आप जीरो हैं, आप वो कच्चे वाला डाकू के बराबर हैं, ठीक है। और जनाब फिर फिलिस्तीन का सॉन्ग चलता है, तो उस सॉन्ग में मतलब अभी वो उनके जब अच्छे कभी हालात थे, थोड़ा अमन था वहां पे, तो तब के टाइम पे ये सॉन्ग उन्होंने बनाए थे, उनके लिए बनाए गए थे। लेकिन अब जितना जुल्म हो रहा है उसमें तो मतलब म्यूजिक क्या, मतलब वो देख के इंसान का, जैसे पल्वशा कह रही थी, दिल दहल गया, दिल दहल गया होता तो इतना लाउड म्यूजिक लगा के, और वो मतलब वो आ रही है गगरे पहने हुए, शरारे गरारे पहन के, और कैट वॉक ऐसे कर रही है जैसे कोई हो रही है रैप पे कुछ कर रही है, तो पता नहीं क्या कोई मॉडलिंग करने आई थी। मतलब ऐसी चैरिटी कलेक्शन की जाती है कि मतलब इन छटाकियों के लिए लोगों को लालच दी कि भाई आओ इनसे मिलो और इन्हीं के बहाने हमें आके ना डोनेशन भी करो। अब ये पल्वशा जी का कहना है, ऐसे तो औरतों ने निकलना नहीं था ना, हमने औरतों को बाहर निकाला इन सेलिब्रिटियों का लालच देके, मतलब इनका बता के कि लोग इनके शौक से इनको देखने के लिए मतलब आएंगे तो यहां पे डोनेशन भी देंगे। ठीक है डोनेशन होगी होगी, लेकिन जो आप लोगों ने नमूना पेश किया है ना, समझ जाओ कि किसी को थप्पड़ मार के पैसे दे देना इस कॉज के लिए, कॉज बहुत अच्छी थी, डोनेशन उनके लिए इकट्ठी, जिस कॉज के लिए किया गया ना उस कॉज का हल्का सा बीच में सिर्फ पैसे लिए गए, उसको डिस्कशन उसके ऊपर बहुत कम हुई, 10-15 मिनट हुई होगी, बाकी उनके अपने इंटरव्यू शुरू हो गए फिल्मों और ड्रामों के प्रोजेक्ट। अब जरा हमारी पल्वशा जी की ना ट्विस्टिंग चेक करें, ड्रामेबाजियां चेक करें, चलाकियां चेक करें। एक इंटरव्यू था उसमें कह रही है कि उन्होंने कहा कि आपने आइजा इन तीनों के कोई ड्रामे श्रामे देखते हैं, कहते नहीं मैंने तो कभी इनके ड्रामे नहीं देखे, बस इनको ऐसे जानती हुई रील सामने आ जाए तो ठीक है। जब आइजा और ये सारी सामने आई ना, माइक उठा के कहती है आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपका काम बड़ा पसंद है। भाई पहले तो उधर कह के आइए कि मैं इनको कभी देखा नहीं है, मैं तो पुराने जमाने के देखती हूँ, इधर उनके मुंह पे कह रही हूँ कि आपका काम मुझे बड़ा पसंद है। मतलब मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये देखो ये इसकी चलाकियां हैं जो मैं पकड़ती हूँ। अब मैंने आपको बताया ना कि ये इमरान खान से भी बड़ी अपने आपको पॉपुलर समझ, ये किसी को नहीं समझती है। उधर ना मीठी मीठी इंसल्ट भी कर दी, पहले तो ये इंसल्ट की ना कि मैंने तो इनके ड्रामे भी कभी नहीं देखे,
अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगी इस व्लॉग में कि आयजा खान ने, आपने देखा कि कोई सेल्फी शेल्फी इनके साथ स्पेशली नहीं बनवाई, ठीक है ना, जबरदस्ती खड़े होने की भी कोशिश की है लेकिन सेल्फी शेल्फी नहीं थी, नोटिस आपने की होगा। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। पहले मीठी मीठी इंसल्ट मैं आपको बता दूँ, मीठी मीठी इंसल्ट ऐसे की उनके सामने ना, उन्होंने कहा कैसे आपको ये लगी, सामने बैठी थी, कहती है ये कोई इतनी स्पेशल नहीं थी, ये भी आम थी, मतलब वो तो अपने आपको दुनिया की स्पेशल औरतें समझती हैं, आपने उनके मुंह पे बता दिया कि यू आर नॉट स्पेशल। फिर जल्दी जल्दी अपनी बात मुंह से निकल गई ना, मैं कहती हूँ बड़ी कंफ्यूज और पजल सी हो जाती है, पता नहीं होता इनको, लग रहा होता है कि मैं अपना वही वाइज ओवर कर रही हूँ व्लॉग के ऊपर, लेकिन बड़ी इस इन दोनों इवेंट में ना पल्लो जी के मुंह से जितनी चवलियां निकली है ना, उतनी तारीख में इनके व्लॉग में कभी नहीं निकली होंगी। लेकिन अब देखें कि उधर ये कह बैठी कि ये कोई स्पेशल नहीं है, फिर बाद में अपनी बात को कवर करना शुरू होगी। असल में ना ये भी हमारी आम औरतों की तरह बच्चे वो करती हैं, संभालती हैं, काम भी करती हैं, तो सवाल का भी कोई रंग ढंग नहीं था, कोई समझ नहीं आई, पूछना क्या चाहती हैं कि आप क्या, आप बड़ा बेहयाई फैला के ना बड़ा अच्छा कर रही हैं, तो कैसे मोटिवेशन आपको मिलती है बेहयाई करके, ये वाली बात करनी थी ना, ये वाली बात आपने पूछनी थी। मतलब इतना कोई अच्छा काम उन्होंने किया है कि जिस तरीके से आप लोग उनको प्रेज कर रहे थे ना, मैं लिटरली बिल्कुल मायूसी सी हुई है, ये क्या यार, इतनी तरसी हुई आवाम बैठी है यूके में, भाई यूके में क्यों बैठे हो, जाओ ना उधर पाकिस्तान में, सारे उधर आपको मिलेंगे, इतना भी तरसपन होता है, इतना भी तरसपन, पागल हो गई है देख के यार, ये क्या। अच्छा, आपको पता है कि आयजा खान के साथ पलवशा जी की पहले भी मुलाकात हुई है, और आपने देखा होगा कि उस टाइम आयजा खान के ऊपर सब ने ये बातें की थी कि वो बड़ी रूड है, बड़ी रूड है, लेकिन वो रूड नहीं थी, वो गुस्सा उस टाइम उसके एक्सप्रेशन ऐसे फील कर रहे थे, जब वो पहले आई थी स्पाइस विलेज में तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ लग रहा था कि उसको बुरा लग रहा है। जब पल्लो जी ने वहां पे उससे पूछे बगैर अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी थी कि मैं आयजा खान के साथ खाना खाती हूँ, देखिए आप लोग डेली ब्लॉगर है, आप अपना खाना पीना दिखाते हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, डेली रूटीन दिखाते हैं, लेकिन वो जो आर्टिस्ट है ना हमारे पाकिस्तान के, ये सेलिब्रिटीज हैं, ये ऐसा कुछ नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाना पसंद करते। और बहुत सारे मैंने देखे हैं कि हमारी टीवी ड्रामा फिल्म के जो लोग हैं इस चीज को तनकीद भी कर रहे हैं कि हमारी ही मतलब फिल्म इंडस्ट्री में से, पाकिस्तान इंडस्ट्री में से कुछ लोग डेली ब्लॉगिंग पे शुरू हो गए हैं और वो अपने खाने पीने ये चीजें दिखाना शुरू हो गए हैं, भाई आप कैसे दिखा लेते हैं, इस चीज को तनकीद किया जा रहा है। तो मुझे वहां से फील हुआ था कि उसको अच्छा नहीं लगा कि वो खाना खा रही थी, वो उसका अपना एक पर्सनल एक टाइम था कि आपने पूछे बगैर कैमरा ऑन कर दिया और लाइव ऑन कर दी, तो मुझे ये उसको पता चल गया। और इन सेलिब्रिटीज को बड़ी अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि भाई यूके में औरतों में एटिकेट्स की इंतहाई शदीद किस्म की ना कमी है, ना इनके अंदर कोई एजुकेशन नजर आ रही है, ना कोई इनके अंदर डिसिप्लिन, ऐसी चिपकती है, जब यूके में पलवशा को चिपकती हैं औरतें तो मतलब सेलिब्रिटी तो उनके लिए पता नहीं क्या से क्या हो। उसके बाद जब खाना शुरू हुआ, नहीं सुना कि क्या कोई बोल रहा है, कोई मतलब उनकी बातें चल रही, खड़ंग खड़ंग शुरू हो गई, कबाब डालने पे लगी हुई, ऐसे पड़ी खाने पे जैसे पिंड में नहीं कहते रोटी खुल गई है तो सारी शुरू हो जाती है, यार यकीन करें जहालत नजर आई है, जहालत नजर आई है, जहालत का बहुत बड़ा जो है ना मंजर नजर आया। और उसके बाद ना, उसके बाद हमारी हिना की हंसी, ऐसे माइकल जैक्सन वाली हंसी, ऐसे देखती है ना जब ऐसे सीरियस खड़ी होती है, नीचे मुंह करती है, ऐसे कैमरे की तरफ जैसे देखेगी ना ऐसे करके पूरी बतीसी निकालेगी ना। और वहां पे हिना माशाल्लाह से हमारी देसी ड्रेसिंग में अपनी रही है, जिस इवेंट पे भी जा रही है, लेकिन मतलब जो चलिस्तान वाली सिंगर्स नहीं होती, रेशमा और नसीबुल्लाह जो पहले पहले आई थी, वो जो गडवी बजाती थी, मतलब उस टाइप का ना एक थोड़ा सा वो लग रहा था, चलिस्तानी सिंगर्स जो होती है ना उस टाइप का गेटअप लग रहा था। और काले सूट वही वाले पहन के गई थी, वो जो वसीम की पिछले दिनों बराते चलाते नहीं, काले दोनों पहन के दोनों मियां बीवी ने की थी, इन्होंने रील जो शेयर की थी जिसमें वसीम की बारात आ रही थी, काले शाले कपड़े इन्होंने पहने हुए थे। और फिर मैंने देख लिया वसीम को, जिसकी नजरें ऐसे जमी पड़ी थी आयजा खान और सारा खान और वो कुबरा पे ऐसे, और उसमें जो अच्छा उसमें कोई हंसने वाली इतनी खास बात नहीं थी, बड़ी नॉर्मल सी बातें हो रही थी, और हिना की उधर ना हंसी चेक करना, वो उधर से कुछ बोल हा 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 हा, मतलब हर बात पे बीच में ना मतलब कोई हंसने वाली बात भी नहीं होती थी ना, जबरदस्ती जोर लगा के ना हंस रही होती। अच्छा फिर मैंने ना हिना का हाथ देख लिया, ऐसे कुबरा के कंधों पे ऐसे टच करने की कोशिश कर रही थी, उसका दिल था कि कुबरा का ना कंधा में ऐसे वो कर लूं, दबोच लूं, लेकिन ना वो फिर हल्का फिर पीछे हो गई कुबरा का, क्योंकि मुंह उधर हो गया था। अच्छा फिर उसके बाद जनाब, हाँ अब लूज बॉल की तरफ आते हैं। जैसे कि पलवशा को पिछले दिनों में पैलेस्टाइन की एक बहुत बड़ी जो है वो लॉन्च हुआ, एक आर्टिकल्स लॉन्च हुए मारिया बी के, और अगर मारिया बी के उन्हीं आर्टिकल्स को जो फलस्तीन के लिए बने थे, अगर वही जो ड्रेस थे वही वेयर करती, वही वहां पे पहन के जाती, तो एक अलग किस्म की यूनिकनेस भी होती, और जो मारिया बी की एक कॉज थी, स्पेशल कॉज थी फॉर फलस्तीन के हवाले से, वो भी प्रमोट होती, और उसको मतलब ये एक खास मौका था जो लूज कर दिया पलवशा ने। मैं समझती थी कि मुझे था कि शायद पहन के जाए, लेकिन इन्होंने फिर वही काम, लेकिन अब यहां पे कोई यूनिक नहीं लगी, लेकिन अगर वो पहन के जाती ना तब यूनिकनेस नजर आती, तब हम सब लोग भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते इस चीज को कि उन्होंने देखो मारिया बी की उस एक कदम को, उस जो उनका एक कॉज थी उसको कैसे लेके चली, क्योंकि वो कनेक्ट कर रही थी ना इवेंट के हिसाब से, इवेंट हो रहा था गजा के लिए, फलस्तीन के लिए हो रहा था, तो वो ड्रेसिंग करके जाती तो क्या ही मजा था। ये बहुत बड़ा मतलब एक लूज बॉल ना खेली है। खैर बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, वो किसी की बात माने, इसीलिए हजार बार कहा है कि मुझे मशीन रख दो, 5 लाख मेरी तनख्वाह रखो, मुझे साथ रख लो, मुझसे मशवरे ले लो, मुझसे मशवरे लोगी तो आगे बढ़ जाओगी। अभी तक जितने तक आई हो ना, तो वो तो चलो एक्सीडेंटली वायरल हो चुकी हो, लेकिन आगे इस चीज को मेंटेन रखने के लिए आपको एक बेहतरीन किस्म का मशीन की जरूरत है, जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि आपने इस इवेंट पे क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या बोलना है।
और क्या करना है, किन चीजों से वाइड करना है। अगर तो आप इस मौका पे इस शोहरत को मेंटेन रखना चाहती हैं तो मुझ जैसी मशीर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं आपको यही सजेस्ट करती कि पलवशा जी आपने मारिया बी की इस जो फलस्तीन कलेक्शन है इसमें से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के जाना है और कैसे तैयार होना है मैं आपको बताती। मैं आपको रिलैक्स रखती कि आज रात आपने सोना है दूध पी के हल्दी वाला, आज आपने कोई रिएक्शन नहीं देखना, आज आपने अपनी आंखों को रिलैक्स रखना है और आइस रोलर से दो दिन पहले से आपको मैं बताती कि आपने अपनी स्किन को रिलैक्स कर देना है, अपनी आंखों का मसाज करना है, अच्छे अच्छे सीरम्स लगाने हैं और मैं आपको बताती कि आपने कैसे फ्रेश लगना है इवेंट पे जाके, मैं सारा कुछ आपको करती। और आपको ना सबसे बड़ा मुझे मशीन रखने का ना फायदा पता क्या होगा, मैं रिएक्शन नहीं दे रही होंगी और सबसे बड़ी जो टेंशन है ना मेरा रिएक्शन आपके लिए है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही रियलाइज करना चाहती हूँ कि मेरी रिएक्शन को आप इंजॉय किया करें, इसको सर पे ना सवार किया करें, इस पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दुनिया में रिएक्शंस होते हैं, आपके कंटेंट पर ही हो रहे हैं, जो कुछ हम देखते हैं जो कुछ हम प्रसीव करते हैं उसको एक्सेप्ट करें। दुनिया में बहुत सारी सोचें हैं तो अगर एक सोच आपको नजर आ गई है, आपको किसी ने बोल के बता दिया, किसी ने कमेंट में लिख के कर दिया, तो एक्सेप्ट करें उसको, के अंदर अपने अंदर इतना जिगरा लाएं इन चीजों को एक्सेप्टेंस का और इसको एक्सेप्ट करके ही आप आगे बढ़ेंगी। जनाब इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन बहुत पसंद आया होगा।